आपने देखा होगा उस दिन मैंने गई जे मैं खुद अकेली जाऊंगी और शॉपिंग करके आऊंगी, लेकिन लास्ट 2-3 घंटा मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड में जो पेन हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा लोअर में, तो इतना हुआ जे कुछ मैंने खरीदारी नहीं की, ऐसे ही बैठा रहा और थोड़ा ऐसे ऐसे वॉकिंग किया। हाँ, मेरे लिए 2 शू लाई और कुछ डेकोरेटिव पीस लाई, पता नहीं मुझे अच्छा लगा। और ये एक चीज लेके देखिए, देवाशीष मुझे पूछ रही थी, मंजरिका इसको क्या करोगे? मैंने बोला कुछ नहीं, जो मैं जितना मेरा लेमन है उसका अचार करके इधर रख दूंगी और धूप में डालने के लिए ये है। आप थोड़ा आइडिया दीजिए ये क्या है, पता नहीं, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा मैं लेके चली आई। ये मैं क्या कर सकती हूँ? और एक चीज है, उसमें कवर नहीं है, कवर होने से थोड़ा अच्छा था, लेकिन अच्छा प्राइस में मुझे मिल गया। मैं सोचा कि इसके अंदर क्या कैंडल रखूं डिनर टेबल में जब खाएंगे, क्या करूं? फिर मैंने सोचा नहीं, जो लेमन में इतना ज्यादा हो रहा है उसके थोड़ा अच्छे से स्क्वायर वाला कट करके ज्यादा सॉल्ट डाल के इधर धूप में बैठा देती हूँ। आप थोड़ा मुझे कमेंट करके बताइए जे सचमुच इसका क्या मैं यूज करूँ। मुझे इतना अच्छा लगा और बहुत ही इतने ये हैवी भी नहीं है देखने में, क्यों पता नहीं सुंदर लगा। देवाशीष क्या बोल रहे हो? You have to drive. You have your driving test on Friday. ये कमिंग फ्राइडे, Yes, तो you thank आज है God. संडे, तो हाँ मैं पास हो जाऊंगी, यू डोंट वरी, जल्दी जरूर पास होंगी और मैं खुशी खबर मेरे व्यूअर्स को दूंगी। ड्राइविंग प्रैक्टिस करने जाने से पहले मैंने राहुल को एक काम देके गया था, वो कितना अच्छे से कर दिया। बच्चे जब बातें सुनते हैं अच्छा लगता है, इतना जूस निकला, वो बोल रहा था ज्यादा नहीं निकला, ये देखिए। हाँ, अच्छे से निकाल दिया, अच्छे से। तो एक काम तो हो गया, उसके साथ मेरे बाड़ी में, मेरे जो किचन गार्डन में हुआ है रेड चिल्ली, उसको उसके अंदर डाल के थोड़ा धूप में दे देना है, थोड़ा सॉल्ट दे के। ये एक अच्छा टिप्स है, जैसे विनेगर को हम लोग स्टोर करके रखते हैं ऐसे ही बहुत दिन तक रहेगा। कभी भी आपका कुछ भी खट्टा चीज खाने की इच्छा हो, कुछ चीजों में आपको मिलाना हो, एक बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो। देखिए अभी ये जो सबको सजाना है, सबको लाओ और करो, कभी कभी इच्छा नहीं होता है काम करने के लिए। देवशीष क्या कर रहे हो? कितना क्लीन करोगे बोलो तो? चलिए देखते हैं देबुदा क्या क्या कर रहे हैं। क्या क्लीन कर रहे हो? कितना क्लीन करोगे? ये तो कितना अच्छा हो गया, सब कुछ पूरा ट्रिम क्लीन सब कर दिया। और बाहर क्या तुम्हारा ये जो नया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो सॉ, सॉ रेजर शार्प सॉ, बहुत यूजफुल हो रहा पावर है। टूथ सॉ, बहुत एक दिन पानी नहीं देने से मेरा पेड़ कैसे हो जाता है देखो। हाँ? फूल आ गया, फूल आ गया टोमेटोज। बहुत तो नहीं, एक दिन पानी ना देने से लुक एट इतना। दिस रोज प्लांट हाउ इट इज ग्रोइंग। ओ एक देखो, मैं ये भी देखो, और इसका फूल, मेरा फूल क्या कम बढ़ रहा है, सोच रहे हो? ये तो देखो इतना बड़ा हो गया, इट्स अ बहुत अच्छा। मैच्योर ट्री नाउ। ना ना, ये अभी थोड़ा फूल होने के बाद उसको थोड़ा ट्रिम कर देना। हाँ, व्हाट प्लांट इज दिस? दीस आर आल्सो गेटिंग लॉट ऑफ फ्लावर्स। ओपरा ये है कैप्सिकम। कैप्सिकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, देखिए फूल लेके जा रही हूँ, पूजा करूंगी, एक लक्ष्मी जी के लिए, एक गणेश जी के लिए।
लेकिन पूजा करने से पहले थोड़ा मैं घुमा लेती हूँ। देवूदा लास्ट दो चार दिन से सिर्फ क्लीन कर रहे हैं, ये डीप क्लीन चल रहा है, काट काट कर सब साफ कर दिए, सब साफ। और दूर से हेलो बोल दो, कहाँ हो तुम? बाबा बाबा, ठीक है मैं पूजा करके आ रही हूँ। हाँ देखिए फूल ले लिया, फूल देखते ही मन खुश हो जाता है, सुबह सुबह ये फूल। और थोड़ा लक्ष्मी जी का पूजा कर लेती हूँ। मैंने देखा सुदशा व्रत बहुत अच्छे से मेरे फ्रेंड वगैरह सब सेलिब्रेशन किए इंडिया में। देखिए राहुल, हाँ हाँ जरा तो खाइबार किसी नहीं रे उठलू की। देखिए ये बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और मेरा देखिए भगवान लक्ष्मी, ये गणेश जी, ये भी गणेश है। और ये मुझे गिफ्ट में मिला था, और देवाशीष के पास ये था पहले से ही। चलिए देखिए फूलों का, एक ही फूल में भगवान डूब जाते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुखे अमामृत। ॐ सरस्वती महाभागे विद्युकमलोचने पद्मपत्र विशालाखी विद्यां देव सरस्वती। ज्ञाननन्दं मां देव निर्मल स्फुटिकाकृतिं सर्वविद्यां ग्रीवोपास्मै। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ रखने के लिए। अभी हम लोग बाहर जाएंगे तो ये सेफ्टी नहीं है, तो मैं नीचे जाके रख दूंगी। तो चलिए पूजा खत्म हो चुकी है, नीचे जाने के बाद आपसे मिलती हूँ, बातें भी करती हूँ। चलिए नीचे चलते हैं। और ये मेरा पेड़ क्यों सूख रहा है बोलिए तो, देखिए इसका ये रेड कलर पत्ता के लिए ही मैं लाई थी, लेकिन ये सूख रहा है, पता नहीं। यहाँ जो ये बहुत ही अच्छा स्पेस है, जहाँ थोड़ा सुबह सुबह धूप पड़ रहा है, तो मैंने सोचा ये अच्छा होगा इस पेड़ के लिए, लेकिन मैंने देखा नहीं, उसको नीचे लेना पड़ेगा। और देखिए यहाँ फैमिली फोटो तो है, सबसे फेवरेट जगह है मेरा, लेकिन क्या करो, इस लगता है कि ये फ्रेम को, ये पेड़ को नीचे लाना पड़ेगा। तो चलिए
पूजा खत्म हो चुकी है और पूजा करने से पहले मैंने राहुल के लिए, लाइट बंद कर देती हूँ, एक चिकन का डिश बना के गई थी। देखिए थोड़ा ज्यादा ग्रेवी हो गया, बस। और दो ही हमेशा थकता नहीं है, एग करी और चिकन करी। मैं थोड़ा चालाक होके अभी फ्राइड राइस में थोड़ा सब्जी बना देती हूँ, जैसे छोटे बच्चे को हम लोग सिखाते हैं सब्जी खाना, ऐसे ही कर रही हूँ। और दाल नहीं, दाल वो खाता है। तो चलिए ब्लॉग को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको ही रिक्वेस्ट करूँगी, जब भी आप ब्लॉग देखते हो शुरू से लेकर एंड तक देखिए, लाइक करना मत भूलिए। और जो नया व्यूअर आते हैं और सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हैं, प्लीज़ आप उसको प्रेस कर दीजिए और साइड में जो बेल है उसको हिट कर देने से जो मेरा आने वाला वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो मैं कब अपलोड कर रही हूँ। तो क्या होगा कि आप आराम से मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए अभी देवाशीष को बुला रही हूँ और इतने ज़्यादा क्लीन कर रहे हैं, गार्डनर तो आता है, लास्ट 2 वीक्स गार्डनर नहीं आया, उनको टेंशन हो गया, बोले कि क्या हो गया, कोविड तो नहीं हो गया मेरे गार्डनर को, इतना टेंशन। क्योंकि सचमुच अगर ग्रास ज़्यादा बड़े हो जाते हैं उसके साथ वीड भी ग्रो हो जाता है। तो जब हम लोग स्प्रिंकलर ऑन कर देते हैं और चारों तरफ पानी देता है, इतने पानी से वीड भी एक साथ इतने जल्दी जल्दी ग्रो होते, तो उनका टेंशन हो गया। तो अभी बुलाती हूँ और आपको भी वो क्लिप दिखाती हूँ जो लास्ट 3-4 दिन से वो कैसे बड़े बड़े प्लांट को काट रहे हैं और क्लीन कर रहे हैं। तो चलिए, तो ग्रास को इतने सारे फर्टिलाइजर दोगे तो मर ही जाएगा। नहीं, क्यों मर जाएगा, ये तो इतना बड़े बड़े ग्रास हो चुके हैं, क्यों दे रहे हो? दिस इज नॉट ओनली फर्टिलाइजर, इट इज आल्सो टू किल ऑल द वीड्स। तो एक तो साइड साइड में वो पूरा मर चुके हैं। Oh, because the water is not going there, I guess properly. We have to check that. तुम वाटर आज भी सुबह नहीं हुआ था। इधर तो वाटर एवरी अदर डे हो रहा है। ये मर रहा है ये साइड में भी। ओ, ये जो वीड आप देख रहे हो ये बहुत लॉन में ग्रास के साथ, तो इसके लिए ये देवसी स्प्रे कर रहे हैं। हाथ में नहीं कर पाओगे, तुम्हारा अमेरिकन तो हर चीजों का खाली मशीन की जरूरत होता है। No, then it spread. बहुत दिनों के बाद हम लोग का गार्डनर भी आया और गार्डन का अभी थोड़ा ये ट्रिमिंग भी करना है। देखिए कितना बड़ा हो गया है, हम लोग तो बहुत सारे काम किए और देवाशीष का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा। एक्चुअली स्प्रिंकलर एक साथ नहीं होते हैं, ये जो साइड में ये बंद होने के बाद ये सब चल रहा है, क्योंकि पानी का जो क्या बोलते हैं, जो सप्लाई करने के लिए जो जरूरी होता है फोर्स, वो नहीं होता है एक साथ देने के लिए। देखिए ग्रास इतना बढ़ गया है और तो स्प्रिंकलर ठीक से भी काम कर रहा है कि नहीं, देखिए ग्रास पूरा उसकी कवर कर रहा है। हाँ जरूरी, वही तो मैं बोला जे इतने दिनों के बाद गार्डनर आया और देवाशीष का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा। ओ ये स्प्रिंकलर, देखिए इसीलिए ये लॉन पूरा ग्रीन रहता है। अभी सुना आपने, देवाशीष ने बोला जो ड्राइविंग करने के लिए जाना है, तो चलिए ड्राइविंग करती हूँ। और 5-6 दिन रहा, वो भी एक टेंशन की बात है। आप तो मेरे एक ब्लॉग मैंने दिया था, उधर मैं कैसे रिटिन टेस्ट में मैं क्या किया आप देख लीजिए, वही मेरा सबसे जो बोलते हैं ना पहला ब्लॉग था। आप देखिए मैं उसके बारे में बोला कि
क्या क्या ड्राइविंग लाइसेंस जब आप टेस्ट दोगे, रिटन टेस्ट क्या पूछा जाता है? सबसे मोस्ट एम्बरेसिंग मोमेंट और मेरे लिए था, क्योंकि मैं बोलूंगी नहीं, आप वो ब्लॉग देखिए और मुझे बताइए जब मैंने क्या किया रिटन टेस्ट में। हमेशा मैं ड्राइविंग करती हूँ और थोड़ा बहुत मैं टेस्ला के ऊपर भी दो ब्लॉग करके डाली थी, जे ये इलेक्ट्रिक कार जब आप चलाओगे और दूसरे कार चलाने की इच्छा भी नहीं होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बोल देती हूँ। देखिए ये जो स्क्रीन है ना, देखिए ये स्क्रीन में ऑलरेडी ये देवाशीष लिखा हुआ है, ये मेरा है मंजरी का। तो जैसे ही मैं ये करती हूँ, ये देखिए मूव करके आगे आ जाता है, ये फिक्स हो कर देता है जे मैं कैसे कंफर्टेबली ड्राइव करती हूँ। क्योंकि हम लोग जब भी मैं इंडिया में बैठती थी, मेरी पापा का जो ड्राइवर अगर मेरे गाड़ी को पकड़ेगा और नीचे खींचेगा सीट को, और जो साइड में बटन है आप उसको आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ये आराम से जान जाता है जे कौन चला रहा है, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और गाड़ी तो ऐसे आप खोल नहीं पाओगे, आपका मोबाइल में वो ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं तो एक एटीएम कार्ड की तरह। तो यही है, और चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेती हूँ।